आदमी दुनिया में कोई काम करता तो पहले उसको मकसद मुकर्र करता है कि मुझे इससे ये मतलब है। खेती करता हूँ तो अनाज के लिए, दुकान करता हूँ पैसों के लिए, धंधा करता हूँ ज़रूरत पूरी करने के लिए। आप लोगों जहन में क्या कि क्यों पढ़ रहे, इल्म दीन सीख रहे? क्यों भाई, इल्म दीन सीख रहे या कोई और काम कर रहे हैं? बोलो। हाँ, क्यों पढ़ रहे? इल्म क्यों पढ़ रहे बोलो, हैं बोलो। क्या समझ में आया? मैं देखो, मेरे को थोड़ा ही ऊँचा देता है, हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए। अच्छा, और बोलो, सारों की एक ही आवाज़ है। अल्लाह को राजी करना तो हर अमल में ज़रूरी है। कोई भी छोटा अमल, बड़ा अमल, कोई काम करे, उसके तो अल्लाह की रजा मकसूद है। ये तो ज़रूरी है। ये पढ़ने के अलावा अगर तुम नमाज़ पढ़ो तो भी अल्लाह की रजा के लिए, रोज़ा रखो तो भी अल्लाह की रजा के लिए, सदका करो तो भी अल्लाह के लिए, तो अल्लाह के रजा के लिए होगा सारा। तो ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जिस मदरसे में थे उस वक्त में, उन्होंने सारे मदरसे वालों को बुला के पूछा कि तुम्हारी गरज क्या, तुम्हारी गरज क्या? किसी ने कहा मुझे मुफ्ती बनना, किसी ने कहा मुझे आलिम बनना, फलां बनना, तो कहने का मदरसा नहीं बाकी रखे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह जवाब दिया, एहयाए दीन एहयाए सुन्नत, अल्लाह का दीन दुनिया में ज़िंदा हो और हुजूर की सुन्नत दुनिया में ज़िंदा हो, इसलिए पढ़ रहा हूँ, दुनिया की मेरी कोई गरज नहीं। कहा तेरी वजह से मदरसा बाकी रखता हूँ। तालीम मुताले में लिखा है कि तालिबे रोज़ाना तीन लाइन की नियत करें। एक नियत करें, मैं अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरी कोई गरज नहीं न मौलवी बन के, न आलिम बनने की, न मुफ्ती बनने की, न दुनिया में ओहदा हासिल करने की, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए। दूसरी गरज, इस इल्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाऊंगा। तीसरी नियत, इस इल्म को लेकर सारी दुनिया में फिरूंगा। इल्म इलाही है, सहाबा सारी दुनिया में गए हैं। देखो, और किताबें जितनी उतरी, तौरात, इंजील, ज़बूर, तो वो मुकम्मल पूरी की पूरी उतरी, लेकिन कुरान पाक 23 साल में उतरा, थोड़ा थोड़ा, 23 साल के ज़माने में, कहीं मिला में, कहीं अरफात में, कभी मुजदलफा में, कभी हुनैन में, कभी खंदक में, कभी ओहद में, कभी बदर में, मुख्तलिफ मकाम मवाक़े पर उतरा है 23 साल में। तो इसलिए कुरान पाक जो है, जैसे दुनिया में चल फिर कर उतरा, ऐसे चल फिर कर ज़िंदगी में उतरेगा। इसलिए कुरान पाक में सबसे पहले यकीन ज़रूरी है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, पहला लफ्ज़ अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम के माने क्या? ये हुरूफ़ मुकत्यात में से है। मुफस्सिरीन कहते हैं इसके माने अल्लाह उसका रसूल जानता है, लेकिन बाज़ों ने तावील किया अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्रील, मीम से मोहम्मद, असल माने अल्लाह उसका रसूल ही जानता है। मौलाना युसतुल्लाह एक बात बताते थे कि यहाँ अल्लाह ने बंदे की जहालत का इकरार करवाया कि जब तुम इसके माने नहीं जानते तो आगे क्या जानता है, इकरार कर मैं कुछ नहीं जानता। दालकर किताब लारे बफी, ये किताब जिसमें कोई शायबा भी नहीं, किसी में कोई शायबा भी नहीं, हुदल्लिल मुत्तकीन, सरापा हिदायत है मुत्तकियों के लिए। कुरान पाक में कहीं कहा गया हुदल्लिन नास, के सारे इंसानों के लिए हिदायत है ये।
कहीं कहा गया हुदल्लिल मुत्तकीन कि सरापा हिदायत है मुत्तकियों के लिए। तो कुरान पाक 23 साल में उतरा है और सहाबा कहते हैं तालमनल ईमान सुम्म तालमनल कुरान, पहले हमने ईमान सीखा फिर हमने कुरान सीखा। पहले दिन ही कुरान नहीं सीखा गया बल्कि पहले हमने ईमान सीखा फिर कुरान सीखा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पहली बात ये दिल में उतर जाए कि अल्लाह ताला ने जिसको इस इल्म इलाही के सीखने की तौफीक दे दी बहुत बड़ा इनाम दे दिया। किसी को माल मिल जाए, मुल्क मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिरौन नमरूद सद्दात को खुदा ने मुल्क दे दिया, फिरौन जैसे कफन चोर को मुल्क दे दिया, कारून जैसे लोगों को माल दे दिया। तो माल मिलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और दुनिया के हुनर हैं, दुनिया के उलूम जो है ये हुनर है, ये इल्म नहीं है। इल्म उसे कहेंगे जो बंदे को खुदा को पहचानवा दे, जो इल्म अल्लाह की ज़ात से निकला, जिब्रील अमीन लेकर आया, जनाब रसूलुल्लाह, नबी का नाम आए तो क्या कहेंगे, हाँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलबे अतर पर उतारा गया, फिर ये उम्मत को दिया गया। कुरान पाक ये क़यामत तक रहेगा, बाकी सारी किताबें मंसूख हो गई, कुरान क़यामत तक रहेगा। हजूर का दीन क़यामत, हजूर की नबूवत क़यामत तक, और यह कुरान पाक क़यामत तक रहेगा। अब मेरे दोस्तों, कुरान पाक पहले लोगों ने इल्म इलाही को बड़ी कुर्बानी से हासिल किया, फिर कुर्बानी कुरान आने के बाद और इल्म आने के बाद बंद दुनिया वालों की तरफ नहीं देखा भाई दुनिया वालों से कुछ मिल जाए। दुनिया वाले देखा तो इल्म की तौहीन है। अगर दुनिया वालों की तरफ नज़र गई इल्म वाले की, कहते वह बदतरीन मालदार है जिसके जो जिसके दरवाजे पर उलमा मिले, वो बेहतरीन मालदार है जो उलमा के दरवाजे पर मिले। जिसको खुदा इल्म की दौलत दे दे उससे बढ़कर क्या हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें इस पर शुक्र अदा करने चाहिए कि अल्लाह हमारे जैसी हमारी बस्तियों में हजारों लाखों बच्चे गिली डंडा खेल रहे, गोबर चुन रहे, दुनिया काम कर रहे, पता नहीं क्या क्या करते फिर रहे। अल्लाह तूने अपने दीन सीखने की तौफीक दे दी, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करें और इल्म को यकीन के साथ हासिल करें कि मेरी दुनिया आखिरत के सारे मसाइल अल्लाह इसी से हल करेगा। हजरत सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, चुनाचे वो उनके साथी इल्म हासिल करने के लिए निकले। पहले दौने में बड़े बड़े हल्के लगते थे, लाउड स्पीकर नहीं होते थे, यहाँ खड़े हो गए। मुहद्दिस ने हदीस कही, इन्होंने सुनी सुन के पीछे से कई दूर दस तक उससे पीछे खड़े हुए, उन्हें उससे आगे पहुँचाई। जैसे घंटों लगते थे हदीस पहुँचाने में, लाउड स्पीकर कुछ नहीं होता था। ये यहाँ से कुछ माल ख़रीदा और जाके अगले शहर में मुहद्दिस की हदीस सुनते रहे कि इल्म लिखते रहे हदीसें, और वो जो माल लाए थे वो बेच दिया, उसके नफ़े से गुजारा करते रहे। फिर अगली जगह चले गए, यहाँ तक कि ये मिस्र में चले गए, यहाँ सामान ख़त्म हो गया। अब रोज़ाना हदीस पाक कहते हदीस के इल्म को छोड़ के हम कमाने जाएँ ये तो तौहीन है। जब तक ताकत है उस वक्त तक सीखते रहो। यहाँ तक 3 दिन फाके से गुजर गए तो वहाँ का जो बादशाह था, बादशाह को आवाज़ आई, अदरिक सुफियान व सहाबहु क़ब्ल अल मौत। वो देखता रहा कि आसमान से आवाज़ कैसे आ रही है। जहाँ तक कि करीब आ गया, उसे बरछा मारा। यहाँ अदरिक सुफियान व सहाबहु क़ब्ल अल मौत, तो उन्होंने वो अपने वजीर को हमेशा घर भेजता था,
फौरन घर से बुलाया कि जल्दी आओ। आज देखा तो पहली में खून बह रहा। वाक्य पूछा क्या बात, कर ले पहले खबर ले, कहने पहले बताओ। उन्होंने बताया फौरन 80 अशरफियों के हिसाब से वो लेकर यहाँ से गए उस मस्जिद में जहाँ वो ठहरे थे तीनों, और जाकर उन्होंने कहा कि बादशाह की आज तबीयत ठीक नहीं, बादशाह नजराना भेजा है, कल वो खुद आके इंतज़ाम करेंगे। इन्होंने कहा कि बादशाह को हमारे हाल की खबर कैसी हुई पहले बताओ। कहने ले लो, कहते हमने तुमसे नहीं मांगा, हम तुमसे नहीं लेंगे। फिर उन्होंने पूरा वाक्य सुनाया, फिर इन्होंने ले लिया कि कल बादशाह आएगा, हमारी बुजुर्गी और ढोंग पिटेगा, जितनी ज़रूरत थी इस्तेमाल कर लिया, बाकी मोहल्ले में तकसीम कर दिया और निकल गई। रातों रात निकल गए वहाँ से। तो बादशाह का नाम था तुलू। तो एक बड़ा मदरसा खरीदा गया जो उन्होंने माल निकाला था, जामिया तुलू। पहले दौर में इल्म लिया जाता था मुजाहिद के साथ। एक हदीस के हासिल करने के लिए एक महीने का सफ़र किया। एक एक हदीस की कदरदानी, उलूम बड़ी कुर्बानी से लिया जाता था। अब तो इल्म के लिए ठूसा जा रहा है, कोई तलब का सवाल ही नहीं है। और पहले दौर में तलब से, इसलिए पहले तलब से लिया जाता था। जो इल्म तलब से लिया जाएगा और मुजाहिदे से लिया जाएगा, वो इल्म बाद में रंग लाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, इस पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने अपने दीन के सीखने की तौफीक अता फरमा दी। इस इल्म के लिए जिसको सीख रहे, नियत करनी एहयाए दीन, एहयाए सुन्नत। दुनिया में अल्लाह का दीन जिंदा हो इसलिए पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई गर्ज नहीं। रोज़ाना नियत करना और अपनी तालीम पर मेहनत करना। लो आजकल नज़रियात मुख्तलिफ हो रहे, दुनिया की तरफ नज़रें जा रही हैं। सब दुनिया में तरक्की करो, मॉडर्न ज़माने का दीन सीखो और मॉडर्न ज़माने की तरक्की करो। इल्म दीन के मुकाबले में कुछ नहीं है। इसलिए हमारे दिलों में दीन की अज़मत और अहमियत हो। अल्लाह से लेना, इसी से लेना, अल्लाह के ख़जाने से लेना और इसी से लेना। इसलिए इल्म दीन का यकीन अंदर में आना ज़रूरी है कि अल्लाह का इल्म है। दुनिया से मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की कोई वैल्यू नहीं अल्लाह के नज़दीक। हम लोग जब पढ़ते थे निज़ामुद्दीन में, तो मौलाना सुतुल्लाह अलैह जुमेरात को आधा घंटा तलबा में बयान करते थे। 450-500 तलबा थे। तीन बातें हज़रत की मुझे याद है, फरमाते थे इल्म सही हो, उसके मुताबिक ज़िंदगी हो, और उसके मुताबिक यकीन हो, तो दुनिया तुम्हारे कदमों में आएगी। अगर तुम्हारा यकीन इल्म का नहीं है और अमल का इल्म वाला नहीं है, तो फिर तुम दुनियादारों के पैरों के नीचे जाओगे। तो इल्म के साथ एक सुन्नत का होना ज़रूरी, सुन्नत वाली ज़िंदगी। शरीयत और सुन्नत सीख रहा ना, तो सुन्नत वाली 24 घंटे हर बच्चा सुन्नत का पाबंद हो। जरा मिसवाक दिखाइयो, किस किस के पास है कोई मिसवाक, किस किस के पास है मिसवाक? से जो नमाज पढ़ते उसका अजर कितना? 70 गुना अजर ज़्यादा उस नमाज से जो गहरे मिसवाक पढ़ी जाए। क्यों भाई? मिसवाक बोलो किस किस के पास है, हैं? दिखाओ, है किसी पे? हम लोग गए बेंगलोर, वहाँ एक मदरसा है सबीलुर रशाद, मौलाना सुतुल्लाह की बुनियाद रखी हुई है। तो वहाँ देखा कि बच्चे सारे सुन्नत से नीचे तक, नीचे सर से लेके पैर तक सुन्नत के पाबंद। तो मिसवाक कितनों के पास है, हैं भाई? हैं मिसवाक कितनों के पास है? ना 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 ना, देखो भाई, कल तक मिसवाक अपनी ले आना, कोई ज़्यादा पैसे तो नहीं लगते, 10 रुपये लग के ख़रीद लेना। नहीं ख़रीद सकते तो कीकर की बना लेना, बबूल की बना लेना,
लेकिन मिसवाक ज़रूरी। सुन्नत, खाने की सुन्नतें, सोने की सुन्नतें और मिसवाक की सुन्नतें, सुन्नत ये ज़रूरी है। एक अक्सर तलबा यूँ फिरते मुँह नीचा करके, अरे कोई मुसलमान आए अस्सलाम वालेकुम, सलाम का हदीस बात है इफ्सु सलाम अते मुताम सल्लु बिल्लैल वन्ना सुन्याम उदखुल जन्नत बिस्सलाम वकमकाल, सलाम करो, सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ, रात को नमाज पढ़ दुनिया सो रही हो तो सीधे जन्नत में जाओ, सलाम करने की आदत डाल ली। मदरसे पढ़ने जाओ तो अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, वापस आओ तो अस्सलाम वालेकुम, मस्जिद में जाओ तो अस्सलाम वालेकुम, निकलो तो अस्सलाम वालेकुम, कोई मुसलमान मिले तो अस्सलाम वालेकुम, घर में जाओ तो अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, यानी सलाम करने की उमूमी बात। बोलो करोगे? तुम तो शर्मा रहे हो भाई, मैं भी तालिब इल्म हूँ भाई, तो इसलिए मैं कह रहा भाई मुझे भी नहीं आता, मैं भी सीख रहा हूँ। सलाम करने की आदत डालना, हदीस पे अमल करना, सलाम करने की आदत डालना। दूसरा खाना खिलाना, तुम्हारे पास जो कुछ है वो, ये नहीं अकेले छुप के खा रहे। बाज़े लोग ऐसे होते हैं घर से सामान आता है तो चुपके चुपके गिरजाई ओढ़ करके अंदर खाते रहते हैं, ऐसे नहीं है, हमको खिलाओ, अल्लाह बहुत खिलाएगा। खाने की अभी से खिलाने और पिलाने की सखावत की आदत डालना। और तहज्जुद कौन कौन पढ़ता तुम में है? माशाल्लाह, बहुत अच्छे, जज़ाकल्लाह। अच्छा, जो लोग नहीं पढ़ रहे तहज्जुद, अब नियत करो तहज्जुद भी पढ़ेंगे। बोलो, तहज्जुद पिछली रात तहज्जुद के वक्त में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आके ऐलान करता है, हल मिन साइलिन हल मिन मुस्तगफिरिन, अरे है कोई मांगने वाला हमसे, हम उसे दे दें। तो पिछली रात आदत डालना उठना, मन तलबल ओला सहर लयाली, मन तलबल ओला सहर लयाली, जो बुलंदियाँ हासिल करना चाहता है रातों को जागे, तो रात को तहज्जुद में पढ़ उठ के अल्लाह से मांगना, अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मेरा दिमाग खोल दे, मेरा जहन खोल दे, मुझे इल्म दे दे, मुझे हिदायत दे दे, पूरी उम्मत को दे दे, अब जो चाहे मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल होती है, तालिब इल्म को दुआ कबूल होती है, क्योंकि तालिब इल्म पैरों नीचे फरिश्ते पर भी जाते हैं बरकत हासिल करने के लिए, और इनकी दुआ को मर जाए तो शहीद होगा और इनकी दुआ कबूल होती है। तो रोज़ाना आदत डालना तहज्जुद पढ़ने की। हिफ्ज के बच्चों के लिए तो उन्हें उठना ही उठना, वुज़ू करके दो चार रकात पढ़ ली, फिर अब पढ़ने लग गए। अब अल्लाह से मांगियो, और कुरान में अल्लाह ने कहा कि उदउनी अस्तजीब लकुम, मुझसे मांगो मैं दूंगा। तो अल्लाह से मांगना कि अल्लाह मुझे इल्म नाफिया अता फरमा। एक दुआ है, अल्लाह मिन यसअल का इल्म नाफिया व अमलन मुतकब्बला व रिज़्कन हलालन तय्यबा व शिफा मिन कुल्ली दा, चार बातें मांगी। तो रोज़ाना आदत डालना तहज्जुद में उठने की। मौलाना इलियास अरम पर फरमाया कि मैंने अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए बहुत मुजाहिदे किए, लेकिन तहज्जुद में उठकर कुरान देखकर पढ़ने से जितना मिला कहीं नहीं मिला। तो तहज्जुद में उठ के तुम्हें तो कुरान पढ़ना ही पढ़ना, तो देख के पढ़ियो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तहज्जुद में उठने की आदत डालना। बोलो करोगे ना? जो नहीं पढ़ते आज तय करो इंशाल्लाह उठेंगे। तुम ना उठियो तो ये छोरा ना, ये कहाँ गया है? आशिक लाई तू ना खड़ा हुई हो, ये तो सबसे बहरा हूँ मैं तो। इसलिए भाई तहज्जुद में उठने की आदत डालना और अपनी तालीम पर मेहनत करना, और तालीम अपनी जहन पर अकड़ना करना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह मुझे आता नहीं है, अल्लाह मुझे सिखा दे। बस अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो उससे मांगे। अगर अल्लाह से मांगोगे तो कमज़ोर जहन को भी खुदा ताकत बख्श देगा, अल्लाह के खजाने में।
पढ़ने के ज़माने में आदमी दिल दिमाग इसका पाक हो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके उस्ताद वकी रहमतुल्लाह में शिकायत की, शकऊ तिला वकील सुहिफिन फाउसानी बे तरकिल मासी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अपने उस्ताद वकी से शिकायत की अपने जहन की कमज़ोरी की, फरमाया गुनाहों को छोड़ दे, गुनाहों से बचना, बहुत से तनहाई के गुनाह होते हैं उससे भी बचना, और बच्चों से दोस्ती सिर्फ सलाम दुआ की, दोस्ती किताबों से, तालीम से। जज्बा किसी को होता मोबाइल देखने, एक बीमारी मोबाइल की है, मोबाइल से बचना ये बहुत बड़ी बीमारी है। मोबाइल रखना बगैर मोबाइल के काम करना, मोबाइल की बीमारी, फिर जज्बा बाज़ार जाने का, बढ़िया चीज़ें खाने का, और बाज़ार जाने का जज्बे में फिर आदमी लड़कियाँ देखेगा, क्या क्या देखेगा वहाँ जाके, फिर गुनाह आम होगा, फिर इल्म का नूर चला जाएगा। इसलिए अपने को इनसे बचाना और तन्हाई में पढ़ना। हमारे उस्ताद बताते थे कि हमने ज़िंदगी में कभी बाज़ार का सामान नहीं खाया। महसूद ने फरमाया कभी ज़िंदगी में बाज़ार की मिठाई, बाज़ार की चीज़ नहीं खाई। एक दिन मैंने देखा मौलाना याकूब साहब ने, बोले यूसुफ हम पढ़ते थे, तो बोले यूसुफ ने कहना देख लिया, पिटाई कर दी, क्यों देखा तू उधर, हर भी आँख क्या ले जाए, देख क्यों लिया, कहे देखा ही क्यों उधर, अपनी हिफाजत अपने पास। इसलिए इन चीज़ों से, अपने दुनिया की चीज़ों से बचाना, हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे। जितना हम दुनिया की चीज़ों से बचाएंगे और जितना गुनाहों से बचेंगे, इतना इल्म का नूर हमारे सीने में आएगा। इसलिए इल्म पर मेहनत करना, तालीम पर मेहनत करना, सुन्नत का अहतमाम करना, तन्हाई में अल्लाह से मांगना, रातों को उठना, और ये ज़िंदगी अभी मौका है। अब ऐसा सादा कागज़ है, सादे कागज़ में जो लिख दोगे वो ही आएगा। दो मेहनतें करनी तुम्हें, अपनी तालीम पर मेहनत करनी ताकि तालीम आला दर्जे में पहुंच जाओ, और दूसरा इसके साथ दावत को लगा लेना ताकि दावत के एतबार से तुम दाई बनकर चलो आगे। ये सूफियत का ज़माना नहीं है, यहाँ बातल तेज़ी से दौड़ रहा, अगर दावत नहीं सीखेंगे तो बातल खा जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने दावत का काम दिया। अंबिया एक एक नबी बादशाहों से लड़ता रहा, मुकाबला कब, दावत की बुनियाद पर। यह दावत ही है जो आदमी रुक सकता है। इसलिए इल्म के साथ दावत दाई का होना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी दाई, सहाबा दाई, और मायूल के एतबार से कुरान में उम्मत का फ़र्द दाई है। कुल हाजी सबीली अदू इल्लल्लाह अला बसीरतिन अना वमन इत्तबअनी। ए मुस्लिम कह दो ये मेरा रास्ता है, मैं और मेरी इत्तिबा करने वालों का। दाई बनकर जीना, दाई बनकर निकलना। अगर दाई बनकर तुम बोल आलिम बने तो यहीं से तुम्हें अभी फिक्र पैदा होगा कि अल्लाह इलाके मेहनत कैसे करें, अल्लाह उम्मत में हज़ारों बंदे कैसे अल्लाह की तरफ आए, अल्लाह दोजख से लोग कैसे बचे, जन्नत में कैसे आए। आज तुम्हें अगर फिक्र पैदा होगी तो सारी दुनिया में उम्मत के गम को लेकर साथ फिरोगे। फिर ये फिक्र नहीं होगा कि दाल रोटी का क्या होगा, ये फिक्र हो बंदों को हिदायत कैसे मिले। दाई बनना, इसलिए मामूली सी मेहनत साथ जोड़ लेना। जो मैं रात को जमात में चले गए छुट्टी के वक्त में, रोज़ाना मुलाकातों का सिलसिला हो गया, 5 मिनट की तालीम, 5 मिनट का मशवरा, 5 मिनट का गश्त, मुलाकात तो अगर छोटे छोटे अमाल के साथ लगे रहे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिजाज दाइयाना बनेगा। बस छुट्टी के ज़माने में जब घर जाने की बजाय चिल्ला भी लगा दिया है, कम ज़्यादा लगा दिया। अगर अभी से दावत का मिजाज बना तो आगे चल के मुल्कों में जाओगे और दुनिया में जाके अल्लाह का काम करोगे, अफ्रीका के जंगलों में, अमेरिका के जंगलों में, लंदन के अंदर में। मैंने देखा साहिल आज को
कोना कोरी, ये बहुत मुल्क है अफ्रीका के किनारे के, हम ये लॉकडाउन से पहले गए थे वहाँ, हमने देखा कि एक मुल्क में दो आदमी थे, साल लगाए दो मौलवी, पूरे मुल्क के काम को दो ने संभाल रखा, बाहर की जमातों को संभालते थे, वहाँ के मकतब चवाल चलाते थे और आने वाली जमातों की नुसरत करते थे, पूरे मुल्क को काम को संभालते थे, वो दो ही मौलवी थे, एक मुल्क में एक ही मौलवी था जो पूरे मुल्क के काम को संभालता था साल लगा हुआ। अगर तुमने दावत के साथ इस इल्म के साथ दावत सीखी तो मुल्कों को जाके संभाल सकोगे, असल उलमा ही है, असल दाई उलमा है, अंबिया है, अंबिया के वारिस है। अगर उम्मत की जिम्मेदारी हमारी है उलमा की, अगर ये अभी से दावत का मिजाज बन गया तो मुल्कों में जाना आसान होगा। रही दाल रोटी, तुम्हारी बरकत से लाखों को खुदा खिलाएगा, क्या तुम्हें नहीं खिलाएगा? तुम्हारी बरकत से लाखों को खिलाएगा तो क्या आपको अल्लाह भूखा रखेगा? इसलिए भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस दावत के काम के साथ जुड़े रहना। हम आपका तालीम का वक्त नहीं चाहते, बिल्कुल खाली वक्त चाहिए। जो आपका वक्त खेल कूद का है और जो आपका वक्त तालीम के अलावा बचा हुआ है, ये बचा हुआ वक्त अगर दावत में लग जाएगा तो आगे आपका आरामंद बन जाओगे। यही तलबा मुल्कों में काम करेंगे और ये नियत करो सारी दुनिया में जाएंगे, नियत करो सारी दुनिया में जाएंगे। अरे मुँह से तो बोलो, जोधपुर की हवा लगी क्या तुम्हें? ये नियत करो अल्लाह के कलमे को लेकर और इस इल्म को लेकर सारी दुनिया में जाएंगे। ले जाने वाला तो अल्लाह है, जेब को मत देखो, जेब का खुदा खुदा से कुछ नहीं होगा, गैब का खुदा सब जानता है कि वो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह नियत को देखता कि मेरा कंधा करता क्या है। एक बार मौलाना इलियास अहमद ज़माने में मौलाना इलियास अहमद ने बच्चों को बुलाकर कहा कि देखो भाई, हमारा इंतज़ाम नहीं, दिल्ली के अंदर चले जाओ, मदरसों में अच्छा इंतजाम मिल जाएगा। तो बच्चों ने कहा कि हजरत, जितना फाका अब है इससे डबल फाका बर्दाश्त करने को तैयार है, मगर आपको छोड़कर नहीं जा सकते हम। हजरत अंदर गए, बहुत रोए, उसके बाद आकर घंटे दो घंटे के बाद कहा, बच्चों तुम्हारी इस्तकामत पर आज अल्लाह ने फैसला कर दिया, इस चार दीवारी में कभी फाका नहीं आएगा। मश्क करवाते थे अल्लाह से लेने की, अल्लाह से लेने की मश्क। इसलिए हमारी तालीम के अंदर में ईमान की मश्क, यकीन की मश्क, इल्म की मश्क, आमाल की मश्क और सुन्नत की मश्क, आने वाली मखलूक पर मेहनत करने की, बंदों पर मेहनत करने की ये मश्क करनी है। इसलिए ये ज़िंदगी का वक्त तुम्हारा, तालीम के साथ अगर दावत जुड़ जाती है तो तुम आगे जाके चार चांद लगेंगे तुम्हारी ज़िंदगी के। तो बोलो भाई, तैयार हो? अब ये बताओ, एक तो तालीम के ज़माने में खाली वक्त में 5 मिनट की तालीम, 5 मिनट का मशवरा और 5 मिनट का मशवरा और जुमेरात को जमात, छुट्टी में चिल्ला और फारिग होने के बाद साल। अगर तुमने अभी नियत करी तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी मेहनत तरती बन गई तो मुल्कों में जाओगे। हम देखते हैं हमारे तलबा जा रहे, तो बोलो भाई, फारिग होने के बाद साल कौन लगाएगा? फारिग होने के बाद साल कौन लगाएगा? दौरे वाले बच्चे हैं यहाँ हैं? दौरे वाले जरा खड़े होके बताओ, दौरे वाले खड़े होके खाली ज्यारत करा दो, ये दौरे वाले हैं, दौरे वाले ज्यारत करा दो, मैं उनके लिए चार दुआएं करूँगा। दौरे वाले एक बार खड़े हो जाएं, कितने, चार ही हैं क्या? दो बच्चे। दौरे वाले कितने? छः हैं, दो हॉस्पिटल गए। अल्लाह ताला इन्हें कबूल फरमावे, इल्म नाफे अता फरमा दे, अल्लाह इनके इल्म को सारे आलम पे फैला दे और दुनिया आखिरत के मसाइल हल फरमा दे। फारिग होने के बाद लगाओगे तशरीफ रखिए। अब वो बच्चे जो छुट्टी में
रमजान की छुट्टी में चिल्ला लगाने को तैयार, जिनके इरादे खाली इरादे करके बता दो, वो तो मौका आएगा जब अल्लाह ले जाएगा चल जाना, लेकिन छुट्टी में चिल्ला कौन कौन लगाएगा, किस किस का इरादा है, बड़े बच्चे जवान बच्चे छुट्टी में इरादा किस किस का, जरा एक बार खाली खड़े होकर बता दो, ज्यारत करा दो, अभी तो साल भर पड़ा। हाँ जी, लंदन वाले नहीं करते? ओहो, लंदन वाले हंस रहे कि भी हम भी जाएंगे क्या? अल्लाह ताला आप लोगों को कबूल फरमावे, जानो माल बरकत फरमावे। वाह 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 वाह, अब तशरीफ़ रखिए। अच्छा, अब ये बताओ, जो जुमेरात को जमात में जाएंगे, जुमेरात को जमात में जाना और यहाँ बैठ के रोज़ाना मशवरा शुरू है क्या जी? असर बाद मशवरा होता क्या बच्चों का? असर के बाद हाँ, बच्चों की जमातें बन जाएं मुलाकात की, 5 मिनट के लिए असर के बाद ये मुलाकातों का सिलसिला या तो मदरसे में करें या आसपास में करें, छुट्टी इनकी मुलाकात असर बाद 5 मिनट 10 मिनट की, या खाने के बाद की छुट्टी किसी वक्त में मुलाकात रोज़ाना 5 मिनट की हो जाए, 5 मिनट का मशवरा हो जाए असर के बाद। होता है ऐसा नहीं? अभी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। रोज़ाना ये बताओ, चिल्ला लगाए कितने बच्चे हैं इसमें? चिल्ला लगाए कोई बच्चे है क्या इसमें? चिल्ला लगाए खड़े हुए जरा कौन कौन है? चिल्ला लगाए 20 दिन लगाए 10 दिन लगाए? हाँ जी, जरा खड़े हो जाओ। कितने हुए? छः। अब बड़े बच्चे इनके साथ रोज़ाना मुलाकातों की तरतीब बनाने के लिए 5 मिनट के लिए कौन कौन साथ देगा बताओ, खड़े होकर बताओ, बड़े बच्चे खड़े हो जाए, बड़े बच्चे जिन्हें 3 दिन 10 दिन लगाए हो, इनकी तरतीब बना दो, क्या करोगे? इस तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ जरा थोड़ी देर, 4-5 जमातें बन जाएं अपने औकात में, मुलाकात 5 मिनट की करनी, इधर आ जाइए। हाँ जी, आप बैठे बैठे यहाँ करीब आ जाओ मेरे, बैठे बैठे आगे बढ़ जाओ। अच्छा भाई, देखो एक बात सुनो, एक तो वक्त की पाबंदी करना, पढ़ने के लिए वक्त में जाना, खेलना वक्त पर, खेलने के वक्त में खेलने जाना और पढ़ने के वक्त में अपने वक्त पे जाना, दूसरा अपनी तालीम में मेहनत करना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यूँ बैठे नीचे खेलते रहते हैं, उस्ताद जी समझ दे पढ़ रहा है, तिपाही के नीचे वो कंकरियाँ बजाते रहते हैं, ऐसा मत करियो, पढ़ियो दिल लगा कर, मेहनत करियो, क्यों भाई मेहनत करियो, और घर वालों को जब घर जाओ, अम्मा की नमाज सुनना, अब्बा की नमाज सुनना, अम्मा को बताना खाने की दुआ ये, सोने की दुआ ये, रहने की दुआ ये, घर वालों को दुआ सिखाना, और घर में जाओ तो कहो जी मैंने ये पढ़ा था अम्मा ये सुना, ये घर वालों के साथ बताओ उनको, आप तरतीब बनवा दो उनकी, उनको क्या पता। पढ़ने के ज़माने में मेहनत करियो, और घर वालों को खत लिखो, टेलीफोन को दिए नहीं कि मेरा जी नहीं लग रहा, अरे जी लगाना, हम तो दीन सीखने आए हैं, जी लगाना, और कहना अल्हम्दुलिल्लाह, तुम तो मेरे लिए दुआ कर दो, माँ बाप से कहना हमारे लिए दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमारा जी लगा दे, इल्म नाफिया अता फरमा दे, दीन सीखने के लिए कबूल फरमा दे, माँ बाप को दुआ के लिए कहना, माँ बाप की दुआ ऐसे कबूल होती जैसे सूखी खेती को पानी, माँ बाप के लिए दुआ करना, माँ बाप की दुआ लेना, माँ बाप की खिदमत करना, माँ की नमाज सुनो, ना याद नहीं तो नाम याद करो, अब्बा की दुआ सुनो, नमाज सुनो, याद नहीं तो याद कराना, भाइयों की नमाज सुनो घर जाके, नहीं आती तो सुनाना याद कराना, अपने घर में जा कर के घर वालों को सिखाइयो, तो घर वालों की दुआ लगेगी, हमारा बच्चा पढ़ रहा कितना अच्छा बच्चा है, पढ़ के आता है हमें सिखाता है,
मौलाना उमर साहब फरमाते थे मेरी माँ पढ़ के आता मुझे कहती मुझे सुनाओ तो सारी दुनिया को सुनाएगा, मैं पढ़ के आता माँ को सुनाता तो माँ की दुआ लगेगी। अच्छा खाने की दुआ बताओ क्या है, खाने की दुआ बताओ हैं, जोर से बोलो बिस्मिल्लाह है। और सोने की दुआ, खाने की बात की, सोकर उठने की, मस्जिद में दाखिले की, अजान के बाद की, आयतुल कुर्सी सबको याद है, आयतुल कुर्सी बोलो, आयतुल कुर्सी याद करियो हैं, दुआए कुनूत सबको याद है, हैं भाई दुआए कुनूत भी याद करियो। अच्छा वुजू की सुन्नत है, फ़र्ज कितने वुजू के, चार, सुन्नतें कितनी, सुन्नतें कितनी कितनी, चार तो फर्ज है बेटा, सुन्नतें कितनी वुजू की, 13 सुन्नतें हैं। और नमाज के फ़र्ज कितने हैं, कितने फ़र्ज, नमाज के फ़र्ज कितने, 13, और वाजिबात 14, और सुन्नतें 21 या 51। ये तो मोटी मोटी बातें हैं। तैमम के फ़र्ज कितने, 3, नियत करना और ज़रबतैन, वाह ये मोटी मोटी बातें जुमेरात को याद करने की है। खाने की सुन्नतें, सोने की सुन्नतें हैं, हर मौके की दुआ, हर मौके की ये सारी चीज़ें, ये रोज़ाना जुमेरात को याद करने की है। ये जायद चीज़ें हैं जो इसके साथ में सीखने का, खाने की दुआ, सोने की दुआ, जनाजे की दुआ, और मोटे मोटे मसाइल वुजू के, गुसल के फ़र्ज, ये सारी चीज़ें सीखने की है। बोलो जुमेरात को सीखियो। दूध पीने की दुआ क्या है, अरे दूध तो रोज़ पीते बचपन से, अल्लाह बारक ला फी ही मस्जिद ना मैनू, क्या दुआ पढ़ेंगे, अच्छा मस्जिद में जाएंगे एतकाफ़ क्या दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह दखल तो वला तवक्कल तो वला वही तो सुन्नत अल एतकाफ़। मस्जिद में दाखिल कौन से पैर से होंगे, अरे मस्जिद में कौन से पैर से दाखिल होंगे, सीधे पैर से, कौन से पैर से, और निकलेंगे जूता पहने तो कौन से पैर से, पहले सीधे में फिर उल्टे में, कुर्ता पहने तो पहले सीधे में फिर उल्टे में, पजामा पहने तो पहले सीधे में फिर उल्टे में, ठीक है ना। और अगर किसी को हंसता देखो तो क्या कहोगे, अज़ाकल्लाह सिन्नक, अरे किसी को हंसता देखो तो क्या कहोगे, अज़ाकल्लाह अल्लाह तुझे हंसता रखे, क्या कहोगे इसकी दुआ, या अल्लाह तुझे हंसता रखे, अज़ाकल्लाह सिन्नक। इसलिए हर मौके की दुआएं याद करने की है। बैतखुला में दाखिल हो दुआ कब पढ़ेंगे, दाखिल होने से पहले पढ़ेंगे, पढ़ के फिर दाखिल होगा, उल्टे पांव से निकलेगा सीधे पांव से, ठीक है ना। हाँ और कोई मुसलमान मिल जाए तो क्या कहोगे, क्या है, कोई मिले चाहे अब्बा मिले, भाई मिले, रिश्ते, कोई मुसलमान मिले, अस्सलाम वालेकुम, सलाम करने आदत डालना, ये नहीं मुंह चढ़ा के क्यों जा रहा हूँ, कौन जा रहा है, तालिबे इल्म साहब जा रहे हैं, ऐसे नहीं उड़ के हंसते हुए सलाम वालेकुम भाई साहब, सलाम वालेकुम, तुम सलाम करोगे ना तो लोग खुश हो जाएंगे, हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, सलाम करने की आदत है। घर जाओ अम्मा अब्बा को अस्सलाम वालेकुम, उस्ताद के पास जाओ अस्सलाम वालेकुम, तो उस्ताद कहे हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, सलाम करते हैं, सलाम करने की आदत डालना, ठीक है, बोलो करोगे ना, और मेहनत करियो खूब। अच्छा असर के बाद खेलने के वक्त में खेलना, और पढ़ने के वक्त में मेहनत करके पढ़ना,
अल्लाह कबूल फरमा दे। हाँ भाई दुआ कर ले, क्या मशवरा हुआ? आ जाओ जल्दी आ जाओ, दुआ कर लें। इस जुमेरात को एक जमात जाएगी 24 घंटे की। अच्छा, इनके यहाँ तरतीब है। हाँ, अरबी में जो तलबा तकरीर करते हैं वो सुबह में करते हैं, हाँ। शाम को उर्दू वाले करते हैं। हाँ, इनका इस हफ्ते अरबी में है, वो अगली जुमेरात शाम में फारिग रहेंगे। अच्छा, वो शाम को जमात में चले जाएंगे। अच्छा, इनका अंजुमन में नाम होगा, वो यहाँ रुकेंगे, बाकी जमात में जाएंगे। अच्छा, जमात बनेगी हर जुमेरात को। हाँ, असर के बाद तालीम मशवरा और मुलाकात करेंगे। अच्छा, उस तरफ बैठ के मशवरा करेंगे वहाँ कौन है। और छुट्टी में? छुट्टी में चिल्ले में जाएंगे, साल वाले साल में जाएंगे, इंशाल्लाह उनके भी नाम लिख लेंगे। लिख लिए जी बादशाह। इनके मशवरे में कभी कभी हमारे उस्ताद भी शरीक हो जाया करें, कभी कभी मुफ्ती साहब, कभी सब दूसरे हजरात, वो भी शरीक हो जाए। और उलमा इकराम से दरख्वास्त ये है कि अब ये भी कोई वक्त की तरतीब बननी चाहिए, वक्त लगना चाहिए। दुआ कर ले भाई। मुफ्ती साहब उस्तादों में बताओ चिल्ले का किसका इरादा है, कब लगाएंगे? छुट्टी में लगा दो, खाली वक्त में लगा दो, जब तुम्हें सहूलत हो, मगर वक्त लगना चाहिए। बड़े तलबा को लेके लिख लो, चाहे उम्मत का हक है तुम्हारे पर भी। बोलो, आप इरादा नियत करके तरतीब बना लेना। नियत तो करो, तरतीब बनाइयो जैसे तुम्हें सहूलत हो। तालीम का हर्ज नहीं करना, मदरसे का हर्ज नहीं करना। मदरसे के हर्ज के बगैर खाली वक्त में ऐसी तरतीब कि जिसमें उम्मत को भी नफ़ा पहुँचे, आपके निकले बल्कि तलबा को नफ़ा भी पहुँचे, और आपका निकले जरिए लोग समझे हम उलमा भी हमारी सरपस्ती फरमा रहे। इरादा करके नियत करके तरतीब बनाना। मुफ्ती साहब मशवरा जरा होता रहे। हैं अल्लाहु सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व आले इब्राहिम इन्नक हमीद मजीद। ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما جس فضل سے تو نے ایمان دیا اور علم کو سیکھنے کی توفیق دی अल्लाह हमारी तरबियत भी फरमा दे और ईमान अमाल पे जमा दे और पूरी उम्मत में इल्म को लेकर फिरने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तेरे दीन के सीखने सिखाने की मेहनत हो रही, दावत और तबलीग ज़रिए, मदारी इस मकातिब दीनी तहरीक के ज़रिए, अल्लाह तो सबको कबूल फरमा ले। हमारे इस मदरसे को कबूल फरमा, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين